हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर फैमिली। और आज है संडे, तो आज संडे बच्चों की डिमांड है सैंडविचेस की, तो बस वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये है मलाई और सूजी से बनने वाले सैंडविचेस। तो फ्रेंड्स, बस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ रेसिपी को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सैंडविचेस के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये कटे हुए टमाटर इस तरीके से, और ये कटे हुए प्याज, ये फ्रेश मलाई, और ये सूजी, और ये एक ब्रेड का पैकेट, और सिंपल नमक। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको हमें किस तरीके से बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है एक बड़ा सा बाउल, और उसमें हमें डालने हैं कुछ ऑनियंस इस तरीके से, ये जो भी हमने कट किए हैं। उसके बाद डालेंगे हम इसमें ये कटे हुए टमाटोज, ये देखिए इस तरीके से है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे ये फ्रेश मलाई, जो कि आप देख सकते हैं। मलाई आपको फ्रेश डालनी है, और ये आपकी चॉइस है कि आप कितनी मलाई डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी ताकि उनको अच्छा और क्रीमी टेस्ट आए, और बच्चों के लिए मलाई अच्छी होती है। तो बस अब हम इनको इस तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, तो फ्रेंड्स ये अब कुछ आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से है, और इसमें थोड़ा सा लिक्विड भी है। तो अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स ये है सूजी, तो अब हमें इसमें सूजी को डालना है, और सूजी हमें इतनी डालनी है कि जो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, ये थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे टमाटर होते हैं उनमें रस ज़्यादा होता है, और कई बार टमाटर में रस नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पेस्ट है उसको बनाने में सूजी की जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो जैसे कि अगर टमाटर में रस ज़्यादा है तो सूजी ज़्यादा लगेगी, और अगर रस कम है तो सूजी कम लगेगी। तो वो आप इस तरीके से, मैं आपको सिर्फ उसका पेस्ट दिखा सकती हूँ कि हमें किस तरीके का पेस्ट तैयार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अभी भी थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, तो इसमें हम थोड़ी सी सूजी और मिलाएंगे। ये इनफ है। और ये जो सैंडविच होता है ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, और उनके लिए हेल्दी भी होता है, क्योंकि रॉ टमाटोज बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादातर, मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, तो इस सैंडविच के थ्रू वो रॉ टमाटोज, ऑनियन और मलाई भी नहीं खाते हैं। तो मलाई बच्चों के लिए अच्छी होती है उनकी हेल्थ के लिए, तो ये सब वो लोग सैंडविच के थ्रू खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो पेस्ट बना है ये बिल्कुल सही पेस्ट है सैंडविच के लिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें ऐड करना है नमक, और आप चाहें तो और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो। बच्चों के लिए हम सिर्फ नमक मिक्स करेंगे, या फिर थोड़ा सा काली मिर्च। तो ये इस तरीके से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो ये नमक इनफ है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये पेस्ट अच्छे से रेडी हो चुका है, ये बहुत ही सिंपल सैंडविचेस हैं। आप इनको इसको बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए, तो बच्चे अच्छे खुशी से खाएंगे इसको। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें लेने हैं दो ब्रेड के स्लाइस। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट लेकर हमें ब्रेड की स्लाइस पर इस तरीके से फैलाना है।
और इस तरीके से इसको लगा के, इसके बाद मैंने तवा गैस पे रख दिया था। थोड़ा सा घी लगाना है हमें और उसके बाद इस तरीके से इसको सेकना है, और घी हमें दोनों तरफ लगाना है ताकि ब्रेड अच्छे से सिक जाए दोनों तरफ से। ब्रेड को हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है और ये देखिए ब्रेड ब्राउन होने लग गया है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये सेक चुका है इस तरीके से। और इसको हम दो पीसेस में काट के इस तरीके से, इस तरीके से हम बच्चों को सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और थैंक यू, बाय बाय।